अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, जो इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे यहाँ पे निकालना क्या सीखे थे, तो कैश फ्लो निकालना सीखे थे, वो डिफरेंट डिफरेंट केस में, चाहे टैक्स सील्ड हो रहा था मतलब टैक्स का जहाँ पे सेविंग हो रहा था उस केस में देखे थे, जहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होता था उस केस में, मतलब नॉन कैश आइटम में भी देख चुके हैं, और टैक्स के वजह से भी जो भी होता था कैश फ्लो वो भी हम लोग सीख चुके हैं इससे पिछले वाले जो इतना भी वीडियो था उसमें। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जहाँ पे क्या दे रखा हुआ। देखिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक सबसे पहले उसमें दे रखा हुआ ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता है, वो हो गया नॉन डिस्काउंटिंग, जिसे क्या बोला जाता है ट्रेडिशनल। एंड दूसरा क्या हो गया, टाइम एडजस्टेड या टाइम एडजस्टेड, या दूसरा क्या हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो इस तरह से कैपिटल बजटिंग टेक्निक को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी हो गया जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है, एंड सेकेंड कैटेगरी क्या हो गया, तो इस केस में यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए एक बार कॉपी में लिखते हैं, आ जाइए कॉपी में, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक में क्या दे रखा हम लोग के पास, दो तरह का, एक क्या हो गया था ट्रेडिशनल, दूसरा क्या था टाइम एडजस्टेड। तो ये आ गया ट्रेडिशनल, इसे क्या बोला जाता था, और नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटिंग ही लिखा हुआ था, डिस्काउंटिंग ही लिख दीजिए। और ये क्या होता है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ गया टेक्निक, तो दो तरह का टेक्निक आ गया, एक सबसे पहला कैटेगरी ट्रेडिशनल जो होता था नॉन डिस्काउंटिंग, यहाँ पे पीवी फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाता है, और टाइम एडजस्टमेंट में क्या होगा, तो यहाँ पे पीवी फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा, प्लस में यहाँ प्रेजेंट वैल्यू को भी कंसीडर किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें फर्स्ट जो दे रखा हुआ है ट्रेडिशनल, उसमें क्या क्या मेथड है, तो यहाँ पे पे बैक पीरियड है, दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे क्या बोला जाता है एआर। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल में दो मेथड आ गया, पे बैक पीरियड, दूसरा क्या आ गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब जो सेकेंड दे रखा हुआ है हम लोग के पास, जो टाइम एडजस्टेड है या डिस्काउंटिंग, इसमें दे रखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, एंड उसके बाद लास्ट दे रखा हुआ है डिस्काउंटेड पे बैक। तो देखिए पे बैक पीरियड जो नॉर्मली होता है वो आ गया ट्रेडिशनल में, और जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसिडर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो डिस्काउंटेड पे बैक। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो चलिए ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसमें हम लोग का आगे दो मेथड, फर्स्ट मेथड क्या था, सबसे पहला था टेक्निक ये था पे बैक पीरियड, एंड दूसरी वाले में दे रखा था हम लोग के पास, एक पे बैक था एंड दूसरा था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न जिसे क्या बोलते थे हम लोग एआरआर बोलते थे। तो ये हम लोग का हो गया। अब जो टाइम एडजस्ट था उसमें हम लोग को क्या दे रखा हुआ था, उसमें हम लोग को सबसे पहला दे रखा हुआ था नेट प्रेजेंट वैल्यू, यही दे रखा हुआ है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद दे रखा हुआ हम लोग के पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बाद देख रखा हुआ हम लोग के पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे बोलते हैं आईआरआर, एंड उसके बाद दे रखा हुआ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बाद आगे हैं मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे क्या बोलते हैं MIRR। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है डिस्काउंटेड पे बैक, इस तरह से हम लोग के पास ये आ गया, एक डिस्काउंटेड, दूसरा आ गया नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में। अब यहां आ जाइए, अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, ये हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला मेथड क्या दे रखा हुआ था? तो इसमें पहला मेथड दे रखा हुआ था पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड में क्या होता है? तो पे बैक पीरियड में ये होता है कि कितना दिन में जो कैश इनफ्लो होगा वो कितना दिन में आउटफ्लो को कवर पाएगा, कवर कर पाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा क्या हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो जो भी आउटफ्लो होता है इनिशियली, जो भी कैश का क्या होता है आउटफ्लो होता है, वो कितना दिन में जो इनफ्लो होगा वो कवर कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि किसी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहा है कोई, तो यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और दो दो लाख करके यहाँ पे 10 लाख क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मान के रखो आउटफ्लो, और 2 लाख करके यहाँ पे इनफ्लो आएगा, मान के रखो कितने भी साल तक, मान के रखो 7 साल तक, कितने साल तक, तो 7 ईयर तक आएगा, 2 लाख करके इनफ्लो आएगा। तो इस केस में 2 लाख करके इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो कितना हुआ है, तो आउटफ्लो हुआ है 10 लाख। इस केस में कितने साल में जाकर के आउटफ्लो को रिकवर कर पाएगा बिना प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किए हुए? तो 10 जो आउटफ्लो था डिवाइड बाय इनफ्लो कर देंगे पर ईयर, तो इस तरह से 5 ईयर में जाकर के क्या कर लेगा, तो 5 ईयर में जाकर के रिकवर कर पाएगा। तो ये जो 5 ईयर हुआ इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे पे बैक पीरियड। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, जितना आउटफ्लो होगा, जितना आउटफ्लो होगा उसे इनफ्लो कितने दिन में, कितने टाइम पीरियड में क्या कर पाएगा, रिकवर कर पाएगा, ये हम लोग आ गया पे बैक पीरियड। इसके लिए देखिए फॉर्मूला भी यहां पे दे रखा हुआ है, फॉर्मूला में क्या दे रखा हुआ है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टोटल क्या, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी कंपनी में या किसी एसेट में या कहीं भी, डिवाइड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। तो जो भी हम लोग का कैश फ्लो होता था, कैश फ्लो तो हम लोग आफ्टर टैक्स ही लेते थे, तो जो भी कैश फ्लो लेते थे वो उससे हम लोग को डिवाइड करना है, और वो भी होना चाहिए एनुअल का, टोटल कैश फ्लो से नहीं, एनुअल कैश फ्लो से हम लोग को डिवाइड करना है। तो उससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, पे बैक पीरियड। ये बहुत ही ईजी था, इसे आप लोग, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो एग्जाम्पल नंबर 4 है एंड 5 है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बस एक बार के लिए आप लोग समझ लीजिए कि पे बैक पीरियड में क्या होता था, कि कितना आउटफ्लो, जो भी आउटफ्लो होगा उसे इनफ्लो परिणाम जो होने वाला है वो कितने दिन में रिकवर कर पाएगा, ये हो गया पे बैक पीरियड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं।